तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं अभी कैपकट वीडियो एडिटर पे वीडियो एडिटिंग कर रहा था एंड यहाँ पे एक एरर आ रही है जो कि है नेटवर्क एरर। और बहुत सारे यूजर इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। आप चाहे ट्रांजिशन पे क्लिक करोगे तब भी आपको यही एरर आएगी, इफेक्ट पे भी आपको यही एरर आएगी एंड जो भी यहाँ पे फीचर्स है सब पे आपको यही एरर देखने को मिलेगा जो कि है नेटवर्क एरर। हम इसी एरर को आज की वीडियो में फिक्स करने वाले हैं। इस एरर के आने के रीजन की बात करें तो आप सभी को पता ही होगा कैपकट वीडियो एडिटर सॉफ्टवेयर जो है वो इंडिया में बैन है, इसी वजह से ये एरर आ रही है। इस एरर को काफी इजीली फिक्स कर सकते हैं एक फ्री वीपीएन को सेटअप करके। तो इसके लिए आपको अपने स्टार्ट मेन्यू पे आ जाना। जैसे आप स्टार्ट मेन्यू पे आ जाओगे, यहाँ से आपको सेटिंग्स पे क्लिक करना। जैसे आप सेटिंग्स पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक नेटवर्क और इंटरनेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको नेटवर्क और इंटरनेट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपको वीपीएन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना। जैसे आप वीपीएन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको एड अ न्यू वीपीएन कनेक्शन देखने को मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको वीपीएन प्रोवाइडर देखने को मिलेगा, इस बॉक्स पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको विंडोज बिल्ट इन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कनेक्शन नेम पे आपको कोई भी एक नाम दे देना, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो सिंपली मैं इसे वीपीएन 1 दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्वर नेम और एड्रेस पूछा जाएगा, तो इसके लिए आपको अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ से अपना ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ। ब्राउजर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एक सर्च बार मिल जाती है, तो आपको अपने सर्च बार पे आ जाना और यहाँ पे आपको टाइप करना है वीपीएन गेट। जैसे आप वीपीएन गेट लिख लोगे आपको इंटर प्रेस करना है एंड आपके सामने यहाँ पे एक वेबसाइट देखने को मिलेगी वीपीएन गेट की, vpngate.net की ये वेबसाइट है। आपको इसे ओपन कर लेना। जैसे आप इसे ओपन कर लोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा नीचे आ जाना है। जैसे आप नीचे आ जाओगे यहाँ पे आपको बहुत सारे कंट्री एंड उसके वीपीएन एड्रेस देखने को मिलेंगे। तो आप यहाँ पे किसी भी एड्रेस को कॉपी कर सकते हो। ये जो बोल्ड कलर में एड्रेस है इसे आपको कॉपी कर लेना है। सिंपली आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे और आप इसे कॉपी कर सकते हो। कॉपी करने के बाद आपको आ जाना फिर से सेटिंग्स पे एंड यहाँ पे जो नेम एंड एड्रेस का ऑप्शन है इस पे लाके सिंपली आपको उस एड्रेस को पेस्ट कर देना है। जैसे आप इस एड्रेस को यहाँ पे सक्सेसफुली पेस्ट कर दोगे तो आपको वीपीएन टाइप पे आना है एंड वीपीएन टाइप पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपको एसएसटीपी का जो ऑप्शन दिख रहा है इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड पूछा जाएगा। यूजर नेम एंड पासवर्ड के लिए फिर से आपको अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है। जैसे आप ब्राउजर को ओपन कर लोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने बता के रखा है कि आप यूजर नेम के जगह पे भी वीपीएन यूज करो और पासवर्ड के भी जगह पे वीपीएन यूज करो। तो आपको फिर से अपना सेटिंग्स को ओपन कर लेना है और यहाँ पे यूजर नेम जो है यहाँ पे भी आपको वीपीएन टाइप करना है और जो भी पासवर्ड है उस पे भी आपको यहाँ पे वीपीएन टाइप करना है। तो जैसे आप दोनों जगह पे वीपीएन टाइप कर दोगे आपको सिंपली इसे सेव कर लेना। आपका सारा काम यहाँ का हो चुका है। तो मैंने इसे सेव कर लिया। सेव करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो वीपीएन 1 आ चुकी है। आपको सिंपली इस पे क्लिक करना, उसके बाद आपको कनेक्ट पे क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पे कनेक्टिंग होती है, उसके बाद वेरीफाइंग होती है और आपका जो प्रोसेस है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी आपका वीपीएन कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको इसे कट कर लेना है। उसके बाद आपको ब्राउजर को भी कट कर लेना है और आप देख सकते हो हम कैपकट सॉफ्टवेयर पे फिर से वापस आ चुके हैं। और यहाँ पे जो आपको नेटवर्क एरर दिख रहा है इस पे आपको आना है एंड यहाँ से जो क्लिक टू ट्राई अगेन का ऑप्शन दिख रहा है आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे थोड़ी सी लोडिंग होती है, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी फिल्टर वापस आ चुकी है। इसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं ट्रांजेक्शन पे भी क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ से ट्रांजेक्शन पे क्लिक किया और आप देख सकते हो ट्रांजेक्शन भी वापस आ चुकी है। और इफेक्ट पे भी क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ, इफेक्ट का भी ऑप्शन यहाँ पे वापस आ चुका है, यानी अब नेटवर्क एरर कहीं पे भी नहीं आ रही है। तो सिंपली मैं इसे एक ट्रांजेक्शन इफेक्ट को आपको डाउनलोड करके भी दिखा देता हूँ। तो मैंने इसे डाउनलोड कर लिया और आप देख सकते हो ये डाउनलोड होना शुरू भी हो चुकी है। डाउनलोड होने के बाद आप इसे अपने वीडियो में कहीं पे भी लगा सकते हो। मेरा डाउनलोड ये कंप्लीट हो चुका है। इसको मैं सिंपली नीचे करके आपको दिखा देता हूँ। आप इसे जहाँ भी लगाना चाहते हो सिंपली उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके कहीं पे भी लगा सकते हो, यानी आपकी प्रॉब्लम अब 100% सॉल्व हो चुकी है। उसके बाद जब आपकी वीडियो एडिटिंग कंप्लीट हो जाती है तो नीचे आपको एक वाईफाई का बटन मिलेगा, आपको उस पर क्लिक करना है और आप यहाँ पे देख सकते हो आपकी वीपीएन 1 देखने को मिलेगी जो कि अभी कनेक्टेड है। तो सिंपली आपको इसे डिस्कनेक्ट कर लेना है जब आपकी वीडियो एडिटिंग कंप्लीट हो जाए। और जब भी आपको वीडियो एडिटिंग करना है तो सिंपली आप यहाँ से इसे कनेक्ट कर सकते हो, यानी आपको हमेशा इसे कनेक्ट करके नहीं रखना। जब आपको वीडियो एडिटिंग करनी है तभी आप इसे कनेक्ट करके रखो, जब आपकी वीडियो एडिटिंग कंप्लीट हो जाए आप इसे डिस्कनेक्ट कर लो, इसका कोई भी काम तब नहीं है। तो गाइस इस तरह से आप कैपकट वीडियो एडिटर में नेटवर्क एरर को सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को भी एक लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।